नमस्कार, मैं हूँ पिंकी। आज आपके लिए लाई हूँ कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। अपना परिचय देते हुए जो लॉकडाउन में समस्या चल रही है, व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं राम बाबू रस्तोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ। और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन कोरोना वैश्विक महामारी जैसे बीमारी से बचाने के लिए देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन इस लॉकडाउन में गरीबों को तो सामाजिक संगठन और सरकार खिला रही है, अमीरों को राहत की जरूरत नहीं है, और मध्यम क्लास के वर्ग के जितने भी लोग हैं ये सब भुखमरी की कगार पे हैं। इसी तरीके से हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी अभी तक गली कूचे में काम कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा क्षेत्रवासियों का जीविकोपार्जन हो रहा है, उन्हीं के द्वारा अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, फल फ्रूट मिल रहा है। लेकिन इन छोटे व्यापारियों के साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, सरकार पास नहीं बना रही है, और जब ये अपने माल को लेने के लिए होलसेलर के पास जाते हैं तो इनको पुलिस के द्वारा उठक बैठक लगवाया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है। ये बड़ा खेद का विषय है, सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी से मांग करता हूँ, सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के नाते से, कि जितने भी गली कूचे में सब्जी वाले व्यापारी घूम रहे ठेले से, इन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये कोरोना मुक्त हैं या कोरोना युक्त हैं, और इनको सबको एक आई कार्ड गले में देना चाहिए कि इनका ये नाम है, ये इनका सनाफ है, ये एड्रेस है, ये इनका ब्लड का ग्रुप है, और ये कोरोना मुक्त हैं, इनसे आप लोग साग सब्जी खरीद लें। जैसे कि आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, कानपुर में 15 सब्जी वालों की जब चेकिंग हुई तो उसमें 9 लोग कोरोना से ग्रस्त संक्रमण मिले हुए हैं उनमें। तो ये जब सब्जियां आगे देंगे तो लोगों के परिवार इस संक्रमण के चपेट में आएगा और बीमारी गंभीरता से बढ़ती रहेगी। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि मध्यम क्लास के लोग और जो छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों को देखते हुए सरकार जो है कुछ। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में अब तक बाराबंकी पुलिस की एसपी अरविंद चतुर्वेदी के निर्देश पर सबसे बड़ी कार्यवाही, बिना मास्क के 104 लोगों को किया गया इंस्पेक्टर सदर पंकज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार और दिया यह निर्देश। होने के कारण को ज्यादा दिक्कत है, इसलिए बार बार बाराबंकी में अभी कोई मरीज नहीं है, और लखनऊ का कोई मरीज आ गया और तो उसके संपर्क में आ गए, हमारे यहाँ फैल जाएगा ना। ये ऐसी बीमारी है, जैसे उनको सिर्फ हमें हो जाए तो ठीक है, घर में जाओगे तो पता चला तुम्हारे बुजुर्ग दादा दादी को हो गया, नाना नानी को हो गया, तुम्हारे छोटे भाइयों को हो गया। इसलिए बार बार सरकार से ये कहा जा रहा है मास्क पहनो, मास्क पहनना अनिवार्य है, किसी को अपने आप को बहुत वो मत मानो कि हमको नहीं होगा, ये किसको हो जाएगा किसी को पता नहीं, ठीक है। बिना मास्क के यहाँ से निकलना मत, बिना मास्क लगाए मत निकलना। लखनऊ में जगह जगह किए जा रहे हैं फ्लैग मार्च। लखनऊ कैसरबाग चौराहे से निकाला गया फ्लैग मार्च, कैसरबाग से लालबाग चौराहे होते हुए कैसरबाग बस स्टैंड तक पहुंचा फ्लैग मार्च। अतः फ्लैग मार्च में आरपीएफ फोर्स व एसएपी के साथ पूरी फोर्स द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, फोर्स के सिवा और कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि रोड पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ पुलिस और फोर्स ही नज़र आ रही है हर तरफ। इन सभी रोडों का आप हाल देख रहे हैं, जैसा कि कभी इन रोडों पर भीड़ हुआ करती थी हद से ज़्यादा, जहाँ पर लोगों की कतार पर लोग रहते थे, आज वहाँ पर सिर्फ पुलिस और फोर्स नज़र आ रही है और इसके सिवा दूर दूर तक सन्नाटे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा।
इस लॉकडाउन का बहुत ही सख्ती से लखनऊ में पालन किया जा रहा है। जहां पर लोगों की कतार लगी रहती थी 24 घंटे, वहां पर सिर्फ आज फोर्स के सिवा और कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये है लालबाग चौराहे का हाल, जहां पर सिर्फ फोर्स ही फोर्स नज़र आ रही है। फोर्स द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च आप देख सकते हैं, जैसा कि ये अब हम हाल दिखाते हैं अमीनाबाद का, जहां पर अमीनाबाद से निकाला गया फ्लैग मार्च। अमीनाबाद से होता हुआ रकाबगंज चौराहे से नाका चौराहा होता हुआ बांस मंडी तक पहुंचा, अतः वहां से वापस अमीनाबाद की ओर फिर से निकाला गया फ्लैग मार्च। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारी पूरी फोर्स वापस अमीनाबाद की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।